हेलो फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नए केस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये डॉग जो है हमें प्रेजेंट हुआ था इस कंडीशन में, आप देख सकते हैं। तो इसको हमने टेंटेटिव डायग्नोस जब हमने दी तो हमें लगा कि ये डेमोडेक्स कैनिस का इन्फेस्टेशन है। ये डेमोडेक्स कैनिस जो है एक फॉलिकुलर माइट है जो कि हेयर फॉलिकल्स के अंदर पाया जाता है। इसको हमने किस प्रकार ट्रीट किया वो आपको पूरा बताएंगे, लेकिन मेरी आपसे पहले रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये जो कंडीशंस थी पूरी डर्मेटाइटिस के साथ में, इसमें डेमोडेक्टिक मेंज का इन्फेस्टेशन था। अब यदि हम डर्मेटाइटिस की बात करें तो इसमें हमको ये मिक्स्ड इन्फेक्शन लग रहा था। हमने जब इसको चेक किया तो हमें ये फैक्टीरियल और फंगल दोनों इन्फेक्शन साथ में एक साथ थे, और मैक्सिमम केसेस में आपको एक साथ ही देखने को मिलते हैं। आप देख सकते हैं, अगर आप इसकी स्किन स्क्रैपिंग्स कराते हैं तो आपको डेमोडेक्स माइट इस प्रकार देखने को मिलता है, कैरेट शेप स्ट्रक्चर रहता है। अब इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो माना जाता था पहले कि इसमें जो अमित्राज है वो ड्रग ऑफ चॉइस रहता है, लेकिन अमित्राज को यूज़ करने से पहले हमें उसमें फ्लशिंग करनी पड़ती है। तो पैडबैन शैम्पू का यूज़ करके उसके बाद में हमें अमित्राज का वॉश करानी पड़ती है। अब दूसरे अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें आइवरमेक्टिन का एक शॉट लगाइए, आप दूसरे हफ्ते भी उसको रिपीट करिए, आपको आराम मिलेगा। इसी के साथ में अब इसमें डर्मेटाइटिस थी तो हमने इसमें एक शैम्पू को प्रिस्क्राइब किया जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। इस शैम्पू की हेल्प से हमने इस डर्मेटाइटिस को ट्रीट करने का फैसला किया। इसी के साथ में आपको इसमें जो एविल इंजेक्शन रहता है उसका ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि कभी कभी ये एलर्जी से एसोसिएटेड भी रहता है। और आपको इसके फॉलोअप के लिए आप चाहें तो इसमें लिवोसिट्रिजिन की टैबलेट्स आती हैं, 5 mg 10 mg और भी आती हैं, आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसको 3 से 5 दिन के लिए आप यूज़ करेंगे तो मुझे लगता है कि आपका केस मैनेज हो जाएगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।